5 तारीख को खीरी मोड़ थाना क्षेत्र में विवेक एंड कंपनी द्वारा सूचना दिया गया है कि ये जो निर्माण कार्य कर रहे हैं वहाँ पे कुछ अज्ञात अपराधी तत्वों द्वारा उनकी जेसीबी मशीन में आग लगा दी गई। पुलिस ने इसको गंभीरता से लेते हुए एक टीम बनाई जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक अभियान साहब थे, खीरी मोड़ थाना प्रभारी और अन्य हमारे पालीगंज डीएसपी साहब सब पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाई गई और पता चला तो ये लोग नक्सली गतिविधि से जुड़े हुए लोगों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। उसी के आलोक में कार्रवाई की गई जिसमें 6 गिरफ्तारी हुई है और इनके द्वारा बताया गया है कि ये लोग काफ़ी टाइम से इस टाइप की गतिविधि में लगे हुए हैं और इनके द्वारा लेवी मांगने का काम अब जेसीबी और इस तरह से मशीन चलाने का काम पहले भी किया गया था, पहले भी इन पर केस दर्ज हो चुके हैं और वर्तमान में भी ये सक्रिय है। तो पुलिस द्वारा एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी की गई। ये बेसिकली इनका अपना संगठन है और पहले आइडियोलॉजी से जुड़े रहे हैं और वर्तमान में उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास में इनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है जिसको पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की। इसमें जेसीबी जलाया गया है और रंगदारी की भी उन्होंने, हालांकि उन्होंने शिकायत उसकी की है लेकिन उनका जो उद्देश्य है जेसीबी जलाने का वो स्पष्ट है कि वो इसके माध्यम से डरा धमका के लेवी वसूलना चाहता है। रकम उनके द्वारा नहीं बताया गया है लेकिन जेसीबी जलाने का जो उद्देश्य है वो काम को बाधित करते हुए पैसा वसूल करना। हथियार भी बरामद हुआ है कैसे? अभी बरामद नहीं हुआ, अभी छापामारी चल रही है और इनके अन्य साथी जो इनके सहयोगी उनका भी हम लोग पता कर रहे हैं, उसमें उम्मीद है कि पकड़ा जाए। अभी 6 लोग पकड़ाया है इसमें, इसमें सीताराम सिंह उर्फ फूरा जी है जिसको लीड कर रहा है, इसके सहयोग में गणेश यादव है, दो मिलकर काम कर रहे हैं, बाकी लोगों को इन्होंने जोड़ रखा है।